एवरीवन, दिस इज प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट का जो सीडीपी सब्जेक्ट है उसके 30 मॉडल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये सीटेट के पैटर्न को ध्यान में रखकर आपके सामने रखे गए हैं। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीटेट में सीडीपी पोर्शन ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 30 out of 30 मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो उसी क्रम में आज से हम आपके लिए मॉडल पेपर ला रहे हैं। आज हमारा ये मॉडल पेपर का पार्ट वन है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट के जो मॉडल क्वेश्चन हैं वो भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। और आपसे मैं क्वेश्चन बोलूँगी, ऑप्शन आपको रीड करने होंगे। आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगी ताकि आपका कम समय में ज़्यादा पेपर सॉल्व हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। मैं आपको 3 सेकंड का समय देती हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए और फिर प्ले करके सुनिए। और इसमें टेस्ट सीरीज की खास बात यह होगी कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में मैं देती चलूँगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 1। जो जीन प्याजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं एज दे मैन्युपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि जीन प्याजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना है, लिटिल साइंटिस्ट माना है। और इसी के चलते उनका ये मानना था कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और इसी वजह से इसका सही आंसर 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम -2। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ तो होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किस क्रम में होता है, मतलब क्रम कैसा होता है, सेट तक होता है, ये आपको बताना है। आपको यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आपका जो मोटर डेवलपमेंट है वो क्या होता है आपको पता होगा। मतलब जो बच्चा हाथ पैर चलाता है, लिखना सीखता है, चलना सीखता है, ये सारी उसकी मोटर स्किल है, राइट। तो अब मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, किस क्रम में होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं, सिफालोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफालोकॉडल। ऐसा इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर हम ऊपर से नीचे या सेंटर से बाहर की ओर के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे जिसकी सिफालोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल करता है। यहाँ हम मोटर स्किल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाएंगे। अब आपको इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। पहले बच्चा पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है जैसे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कह रहे हैं, और बाद में धीरे धीरे बच्चा फाइन मोटर स्किल सीखता है जैसे कि लिखना, ठीक है, पेन पकड़ना, इस तरह वो क्या करता है, मोटर स्किल को परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ क्या है, आपका जो कह सकते हैं कि पहले आप अगर कीबोर्ड ऐसे नॉर्मली पकड़ रहे हैं तो वो तुम्हारी आपकी फाइन मोटर स्किल नहीं है, वो ग्रॉस मोटर स्किल है। लेकिन जब आप उंगलियों से टाइप कर रहे हैं तो वो आपकी फाइन मोटर स्किल है। तो जो क्रम होता है वो ग्रॉस से फाइन मोटर डेवलपमेंट तक होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका सही आंसर आपका होगा एडोलेसेंस, इसका सही आंसर आपका होगा एडोलेसेंस। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ चाइल्ड आस्क्स दैट हेंज शुड नॉट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी, आपने ये स्टोरी सुनी होगी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंदर आता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके कोहलबर्ग हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको 3 level और 6 stages दी हैं मॉरल डेवलपमेंट की, ठीक है। और जो मॉरल अंडरस्टैंडिंग है वो किस अवस्था में है बच्चा, ये आपको बताना है। तो अगर आप पहली जो स्टेज है उसकी बात करें, पहले लेवल की बात करें, तो उसमें आपका पनिशमेंट एंड ओबेडियंस की बात होती है कि कोई गलत काम हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये आपका आता है level 1 में, स्टेज आपकी जो है stage 1 पनिशमेंट एंड ओबेडियंस वाली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पनिशमेंट एंड ओबेडियंस ओरिएंटेशन, क्योंकि बच्चे के अंदर कौन सा, यहाँ पर कौन सी नैतिक समझ है कि अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसे दंड मिलेगा, और इसीलिए हिंज को भी दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। आगे बात करेंगे लियो वाइगोस की। अगर आप चाहें तो हम टॉपिक वाइज भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए डिटेल में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियो वाइगोस की रिफर टू द वर्बल डायलॉग दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ।
मौखिक संवाद में जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? अपने आप से बातें करने को आप चाहें तो क्वेश्चन के लिए, मतलब जैसे ही आप क्वेश्चन सुनते हैं वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देख लें, क्योंकि मैं आपको कंटिन्यू जो है डायरेक्ट आंसर बताऊंगी ताकि आसानी से आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसका आंसर आपका जो है, देखिए सबसे पहले अगर हम प्याजे और वाइगोत्स्की की बात करें तो जो प्याजे हैं वो कहते हैं कि बच्चा जब अपने आप से बात करता है तो वो अहम केंद्रित होता है, मतलब उसके लिए बस वही है, वो जो फील कर रहा है वो सब फील कर रहा है, वो उसकी ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है जो वो अपने आप से करता है। जबकि वाइगोत्स्की का क्या मानना है, अगर हम यहाँ वाइगोत्स्की का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाइगोत्स्की का क्या मानना है, बच्चा जो अपने आप से बात करता है वो प्राइवेट स्पीच होती है और वो अपने आप से जब बात करता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक सीखने का एक तरीका उन्होंने माना है और प्राइवेट स्पीच को उन्होंने महत्व दिया है, जबकि प्याजे ने जो बच्चा अपने आप से बात करता है उसको महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया है, जबकि उसको ईगो सेंट्रिक स्पीच बताया है प्याजे ने। तो आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर आपका प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता होगी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल ऑफ क्लोदिंग, हाउस होल्ड आइटम, ऑक्यूपेशन एंड कलर विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, जैसे ये क्या लड़कियों जैसे कपड़े पहन लिए, ये क्या लड़कियों जैसा रो रहे हो, घरेलू सामग्रियां, या क्या लड़कियों जैसे काम कर रहे हो, व्यवसायों और रंगों, लड़की होकर ये काम कर रही हो, रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, अरे ये लड़का इतना गोरा कैसे है, इस तरीके से जब हम विशिष्ट लिंगों के साथ चीज़ों को लिंक करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जिसे हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी विशिष्ट चीज़ को एक विशिष्ट लिंग से लिंक करते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि केवल लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते, केवल लड़कियों के अंदर फीलिंग्स होती हैं, लड़कों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है, लड़कियाँ ही केवल, मतलब केवल लड़के पैंट शर्ट पहन सकते हैं, लड़कियों ने कैसे पहन लिया, इस तरीके की जो बातें हैं वो जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दर्शाती हैं। आगे बात करेंगे, आई होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देती जा रही हूँ, और अगर आपने मात्र इन वीडियोस को ही देख लिया तो आप सीडीपी का पोर्शन तो ऐसे ही क्रैक कर देंगे। नेक्स्ट है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। एक प्रारंभिक जो कक्षा कक्ष होती है उसमें बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, जो उसका आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बीएड किया होगा तो आपको पता होगा कि प्रीवियस नॉलेज, जब भी हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते टॉपिक से रिलेटेड, हम एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है, तो उसे क्या करना चाहिए, मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस है बिल्ड ऑन, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, मतलब एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में जो एक बच्ची अपने साथ जो भी अनुभव लाती है उनको अपनी कक्षा में शामिल करना चाहिए और उन्हीं से, उसी अनुभवों से रिलेट करके नए अनुभवों को जोड़ना चाहिए, नई लर्निंग जो है वो उन्हें करवानी चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अ टीचर शुड, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो आपका 8 का जो सही आंसर होगा, आपका जो 8 का सही आंसर होगा आप देख सकते हैं, 4th, कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम। देखो अगर वो कंपैरिजन करेगी तो गलत है, अगर वो स्टूडेंट्स को जो एक स्पेसिफिक कल्चर से बिलोंग करते हैं उन्हें प्रमोट करेगी वो भी गलत है, अगर वो कल्चरल डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी को इग्नोर कर देगी तो भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं समझ पाएगी और उनके अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाएगी और इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी जो टीचिंग लर्निंग एड है उन्हें नहीं तैयार कर पाएगी, जिसके चलते ये मतलब पॉसिबल नहीं होगा कि एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग हो पाए। तो इसका सही ऑप्शन आपका 4 होगा, कि वो ये चीज़ कम्युनिकेट करे कि वो कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और उन्हें महत्व देती है ताकि सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करके क्लास में सीख सकें। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डस राइट टू एजुकेशन 2009 एडवोकेट। मतलब निम्नलिखित संरचनाएं दी गई हैं उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था वो किसकी वकालत करता है आपको बताना है। तो जो 9 का सही आंसर होगा वो आपका 2 होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, इट डजेंट मैटर कि किसमें क्या कमी है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, ये मतलब आपने सुना होगा एजुकेशन फॉर ऑल अंडर वन वॉल, ठीक है, मतलब एक छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ाया जाए, स्पेशल एजुकेशन ना, मतलब स्पेशल क्लास है, स्पेशल स्कूलों में ना भेजा जाए, क्योंकि बाद में उन्हें समाज में ही एडजस्ट करना है, समाज में ही काम करना है, तो कहीं ना कहीं अगर उनको स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाएगा तो बच्चे डिसेबिलिटी वाले हैं तो उनके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा और बाद में वो सोसाइटी के साथ उतने अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 है,
इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। ये विचारधारा किसकी है, किस एजुकेशन की है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय, एक रेगुलर स्कूल में ही समान शिक्षा देनी चाहिए, स्पेशल स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए। तो ये किसका मतलब कह सकते हैं विचारधारा है? तो 10 का सही आंसर आपका 1 होगा, समावेशी शिक्षा का, जो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा। कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को क्रैक कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रेन इन कॉलम ए विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम बी। आपको दो कॉलम दिए गए हैं जिसमें आपको मैच करना है। तो अगर आप देखें तो गिफ्टेड चिल्ड्रेंस में क्या चीज़ें होती हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले अपना कर लें, उसके बाद मेरा आंसर सुने। तो गिफ्टेड जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं, तो उनके अंदर क्विकली लर्न करने की, तेजी से लर्न करने की और इंडिपेंडेंसी से लर्न करने की एबिलिटी होती है। जो लर्निंग डिसेबल चाइल्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर रीडिंग स्किल नहीं होती, रीडिंग फ्लुएंसी नहीं होती। तो ये इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्रिएटिव, क्रिएटिव कौन होता है जो एक ही चीज़ के बहुत सारे डाइवर्स सोल्यूशन ढूंढ ले, ओरिजिनल सोल्यूशन को ढूंढ पाए, तो आपका थर्ड का सी सही होगा। और जो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा कहीं ना कहीं बहुत देर तक किसी एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाता। मतलब अगर आप उसको आधे घंटे एक घंटे की क्लास में बैठा दे तो वो आसानी से वहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स में टेंडेंसी होती है डिस्ट्रैक्ट होने की, तो इसीलिए इनको कोई भी काम बहुत देर तक का नहीं देना चाहिए, इनको काम हमें जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में थोड़े थोड़े समय के लिए देने चाहिए। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, सही आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 2, डी ए बी सी, मतलब फर्स्ट से डी मैच होगा, सेकंड से ए, थर्ड से बी और फोर्थ से सी। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11 का 2। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। चिल्ड्रेन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, चिल्ड्रेन कब अच्छे से लर्न करते हैं, एक बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप पहले ऑप्शन को मैं बार बार रिकमेंड करूंगी, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को पढ़ ले, उसके बाद मेरा आंसर सुने, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन भी करते चलना है। तो आपका, क्योंकि एग्जाम में भी आपको केवल 30 मिनट ही मिलेंगे, तो 12 का आपका सही आंसर 4 होगा, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। जब भी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज और टास्क में, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं अपेक्षाकृत जब उन्हें एक स्ट्रिक्टेड माहौल में रख दिया जाए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। चिल्ड्रेन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, चिल्ड्रेन को, बच्चों को कक्षा में प्रश्न करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने दिए, आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर होगा, शुड बी इनकरेज टू आस्क, क्योंकि जब वो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर चल रहे विचारों को टीचर समझ पाएगा और उस हिसाब से वो उन्हें डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे पाएगा या समझा पाएगा, ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। तो उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ सके, ऐसा नहीं कि अरे तुमने ये कैसे पूछा, चुपचाप बैठ जाओ, दोबारा मत बोलना, ऐसे बोल देंगे तो बच्चा वहीं पर डर जाएगा और उसके बाद वो अपने मन में जो उसकी बातें चल रही हैं, जो उसके मन में कन्फ्यूजन्स हैं, उनको वो नहीं पूछेगा। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसकी वजह से अच्छा अधिगम नहीं हो पाता है। नहीं पूछा है तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नॉट में इसीलिए अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो 14 का सही आंसर होगा मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, अगर आप किसी भी चीज़ को रटवाएंगे तो कहीं ना कहीं एक सार्थक अधिगम नहीं हो पाएगा। बाकी ऑप्शन फिर भी सही है, अगर आप रिपीट कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तब भी अच्छी बात है, अगर आप इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन देंगे तब भी अच्छी बात है, एक्सप्लोर करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे बच्चों से तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनको रटवाएंगे चीज़ें तो ये एक मीनिंगफुल लर्निंग को जन्म नहीं देगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ये प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ऐसे ही पैटर्न में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, रीमा की जगह सीमा लिखा होगा, टीमा की जगह कुछ और लिखा होगा, लेकिन जो पैटर्न है, जो सवाल है, वो कहीं ना घूम फिर के वैसे ही बनेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। व्हेन टीचर हैव पॉजिटिव बिलीव अबाउट स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटी द स्टूडेंट, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है कि मेरा बच्चा समझ सकता है, मेरे बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है, ही कैन लर्न, तो बच्चे क्या करते हैं? चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, तो बहुत ही साधारण सा आंसर होगा, आर ईगर टू एंड मोटिवेटेड टू लर्न, वो सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे टीचर को हमारे पर विश्वास है कि हम सीख सकते हैं, वो हमें क्वेश्चन पूछने की आज़ादी देता है, वो हमें आज़ादी देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएं। तो बच्चे सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे क्लास में। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। चिल्ड्रेंस एरर, बच्चों की गलतियाँ, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या दिखाती हैं बच्चों की गलतियाँ?
तो 16 का आपका सही आंसर 3 होगा। बच्चों की गलतियाँ एक पार्ट है लर्निंग का, सीखते वक्त हम गलतियाँ करते हैं और एक वो इंसाइट देती है उनकी थिंकिंग की तरफ, मतलब अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है कि बच्चों के विचार कैसे हैं, बच्चे कैसा सोच रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। अगर हम बाकी ऑप्शन पर नज़र डालें तो लिखा है पहले ऑप्शन पे कि वो कितने केयरलेस हैं, बिल्कुल गलत बात है कि केयरलेसनेस कभी भी नहीं दिखती बच्चों की गलतियों से। ये भी नहीं दिखेगा कि वो इमीडिएटली करेक्ट करे जाए, मतलब बार बार उन्हें प्रैक्टिस करी जाए। अगर कोई आम को इमली बोल रहा है तो हम बार बार कहें नहीं इसको इमली नहीं आम बोलना है, बार बार ऐसे अगर हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चे मतलब बोर भी हो सकते हैं या हो सकता है यहाँ पर रटने वाली एक प्रक्रिया कह सकते हैं सामने आए कि उनको हम रटवा रहे हैं लेकिन मतलब नहीं समझा रहे कि क्यों हम आम को इमली नहीं कह सकते। दोनों चीज़ें खट्टी हैं, मतलब अगर कच्चे आम की बात करी जाए, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है हमको ये बताना होगा उनमें, ठीक है। तो जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो पार्ट ऑफ लर्निंग है और वो हमें एक इंसाइट देती है कि बच्चों के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर प्याजे की बात करें तो बच्चों का स्कीमा क्या है किसी चीज़ को लेकर और उसमें हम कैसे एडिशनल चीज़ें ऐड करके उनके कॉन्सेप्ट को सही कर सकते हैं, ना कि बस बार बार उनको रिपीट करवाएं कि नहीं इसको ये नहीं ये बोलेंगे, ऐसा नहीं करना। और अगर हम ये बोलते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये इनसिग्निफिकेंट है तो ये भी गलत बात होगी। क्या बच्चों की गलतियां अगर इनसिग्निफिकेंट होंगी, बच्चों की गलतियों को जब हम समझेंगे तभी तो उनको उनके अनुसार समझा पाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका 3 होगा। आपको जो मैं समझा रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर मैं केवल पेपर सॉल्व करवाऊँ, आप हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बात करेंगे असेसमेंट की, मूल्यांकन को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्या होना चाहिए, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि मूल्यांकन एक पार्ट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि आपको मूल्यांकन करना है, आप इसीलिए अधिगम करवा रहे हो, इसीलिए लर्निंग करा रहे हो, 99% लेकर आने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सो दैट यू कैन नो द लेवल ऑफ योर स्टूडेंट, यू कैन इवैल्यूएट द लेवल ऑफ स्टूडेंट कि वो कितना सीखे हैं क्लास में या क्या प्रॉब्लम दे आर फेसिंग राइट नाउ। तो इस वो एक पार्ट होना चाहिए, ये नहीं कह सकते कि इवैल्यूएशन होना ही नहीं चाहिए, असेसमेंट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, आगे बात करेंगे इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। तो 18 का सही आंसर 1 होगा कि अधिगम एक एक्टिव और सोशल है, मतलब देखिए जो प्याजे हैं और वाइगोस्की हैं वो दोनों ही कंस्ट्रक्टिविज्म पर विश्वास रखते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे एक्टिवली प्ले रोल प्ले करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में, और ये सोशल है कैरेक्टरिस्टिक में, जब वो सोसाइटी से इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ें सीखते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी लर्निंग है कंस्ट्रक्टिविज्म आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार वो क्या है, एक्टिव और सोशल है कैरेक्टर में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, वॉट प्रिंसिपल डज हाईलाइट। देखिए नीचे लिखी हुई स्थिति के सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और डीमोटिवेट महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो ये किस प्रिंसिपल को दर्शाता है। तो 19 का आपका सही आंसर 1 होगा कि कॉग्निशन और इमोशन ये सेपरेबल होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हैं, बहुत सारे लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है कि बच्चा अगर अपने आप में सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और वो डिमोटिवेट हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा तो, और वो कुछ करेगा भी नहीं, आसानी से टास्क को छोड़ देगा, तो ये तुम्हारा कॉग्निशन और इमोशन को दर्शाता है जो कि सेपरेबल नहीं है, आर नॉट सेपरेबल। मतलब जो हमारे इमोशन है वो हमारे कॉग्निशन मतलब हमारे सोचने समझने की शक्ति पर, हमारे चीज़ों को सीखने की शक्ति पर क्या कर देते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं। अगर हम इमोशनली बहुत डाउन हैं तो उस टाइम हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, फिर चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अगर हमने इमोशनली ये फील कर लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते तो चाहे हमारा दिमाग कितना भी शार्प क्यों ना हो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इमोशन और कॉग्निशन को आप अलग अलग नहीं कर सकते। ओके, हमारा जो इमोशन होता है उसी के हिसाब से हम चीज़ों को सीखते भी हैं। अगर हमारे अंदर डर का इमोशन है, इमोशन तो बहुत सारे होते हैं, तो अगर डर का है तो भी हम आज़ादी से चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, अ टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रेन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करेगा, ये आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर होगा 4, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने मतलब इनिशिएटिव गेसेस करने के लिए बोलेगा और एक प्रॉब्लम के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं ये कहेगा कि देखें कि एक प्रॉब्लम है, सामने एक लकड़ी रखी है उसको उठाने के लिए कितने सोल्यूशन हो सकते हैं और क्या गेस करके किस तरीके से हम शॉर्टकट में चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल शॉर्टकट भी नहीं बोल सकते, मतलब उनसे हम कहेंगे कि सोचो इस प्रॉब्लम के बारे में, कुछ गेसेस करो कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और क्या कहे कि मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कितने सोल्यूशन से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं ये देखें। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की,
तो मैंने ऊपर का आंसर आपको बता दिया, फोर होगा। फिर 21 की बात करते हैं, यूज ऑफ मैथड वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व विद एन एग्जाम्पल, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल और प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण, मतलब जिसमें वो खुद से प्रयास कर रहे हैं, खुद से इनिशिएटिव दिखा रहे हैं किसी चीज को सीखने में, तो वो कौन सा मेथड है आपको बताना है। दैट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि जो होती है उसी में जो लर्नर होता है वो एक्टिवली इनिशिएटिव दिखाता है, एक्टिवली एफर्ट्स करता है सीखने के लिए। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वीडियो को पॉज करके आंसर पढ़ लीजिए। तो 22 का सही आंसर आपका 4 होगा। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटी नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंट टेस्ट। बुद्धि बहुआयामी है, मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से आप बुद्धि को माप नहीं सकते या उसकी योग्यताओं को माप नहीं सकते। बहुत सारे इंटेलिजेंस हो सकते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस हो सकता है आपका, अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकता है, तो वो बहुआयामी और पूरी तरीके से आप उसको माप नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। बहुत सिंपल सा आंसर है, फैमिली होगा, परिवार ही है, जहाँ पर हम सबसे पहले आंखें खोलते हैं। उसके बाद स्कूल की बात करें तो वो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट स्कूल नहीं जाते, हम अपने परिवार में ही चीज़ें सीखते हैं, आंखें खोलते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे 24, द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेट थ्योरी इज दैट, जीन पियाजेट के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। तो आपका इसका सही आंसर होगा 4th, आपका इसका सही आंसर होगा 4, चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। बच्चों की जो सोच होती है, बच्चों की जो सोच होती है वो एडल्ट से अलग होती है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ नॉलेज है या क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है वो बड़े लोगों से काफ़ी भिन्न होती है। तो जो मेजर प्रोपोजिशन है जीन पियाजे का, इसीलिए उन्हें नन्ना वैज्ञानिक कहा है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेंगे, वो मतलब उनकी सोच कहीं ना कहीं बड़ों से काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी के मामले में अलग होती है। सुपीरियर भी नहीं कह सकते, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है, क्वांटिटी में डिफरेंट होती है ये भी नहीं कह सकते, इंफीरियर होती है। बच्चों की नॉलेज तो इंफीरियर बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो नन्हे वैज्ञानिक है जीन पियाजे के अनुसार, तो उनकी थिंकिंग क्या होती है, क्वालिटी में डिफरेंट होती है फ्रॉम एडल्ट। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, जेंडर क्या है। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, जबकि ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। स्त्री पुरुष एक सामाजिक संरचना है कि स्त्रियाँ ये ऐसी दिखती हैं और पुरुष ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये एक सामाजिक संरचना है, ना कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, हाँ अगर यहाँ पर सेक्स लिखा होता तो हम ज़रूर कह सकते थे कि ये एक बायोलॉजिकल आपका डिटर्मिनेंट है, ओके, कि जो एक पर्टिकुलर इंसान है वो किस सेक्स का है। आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आपके चार डोमेन कौन से दिए गए हैं डेवलपमेंट के, वो आपको बताने हैं। तो सही आंसर आपका 1 होगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये चार डोमेन होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह रही हूँ, डेवलपमेंट के, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट के। ये बेसिकली चार डोमेन होते हैं, जिसमें फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव मतलब फिजिकल हमारी शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव हमारा मानसिक विकास, सोशल हमारा सामाजिक विकास, और इमोशनल हमारा सांवेदिक विकास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, 27 में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट, मतलब बच्चों और उसके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो 1 होगा, कि ऑल चिल्ड्रेन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। हमें ये मानकर चलना है कि सारे ही बच्चे नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो सीखना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, और वो कैपेबल होते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो ये जो है बच्चों के संदर्भ में बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वो बिल्कुल गलत है, कि वो हेरिडिटी से डिटरमाइन होता है। तीसरा भी गलत है, कि उनका जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो डिटरमाइन करता है कि बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी कैसी होगी। और चौथा भी गलत होगा, कि चिल्ड्रन को रिवॉर्ड करना चाहिए या पनिश करना चाहिए उनको मोटिवेट रखने के लिए। तो आपका सही आंसर ये होगा कि सारे चिल्ड्रन जो है वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं लर्न करने के लिए, एंड दे आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को कैसे देखा गया है। तो बहुत ही साधारण सा आंसर है, एक एक्टिव एक्सप्लोरर की तरह, जो एक्टिवली सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में उनको देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग क्या है। तो इनके अकॉर्डिंग लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ चाइल्ड इन अ प्री ऑपरेशनल स्टेज, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा
वो होगा इररिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मतलब वो विचारों को रिवर्स करके नहीं देख पाता। जैसे अगर आप उसके सामने दो चीज़ें रखें और दोनों में सेम ही क्वांटिटी हो, लेकिन जो चीज़ उसे बड़ी दिखेगी उसे लगेगा कि उसमें सामान ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो थॉट्स को अपने रिवर्स करने में सक्षम नहीं होता। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप तो कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सीटेट के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो पसंद आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार।